हेलो फ्रेंड्स, रानीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम जर्दा बनाने जा रहे हैं। जर्दा बहुत ही फेमस रेसिपी है, लगभग हर घर में बनाया जाता है। आइए, किन चीजों की जरूरत है देखते हैं। ये चावल हमने 500 ग्राम लिया है, देखिए कच्चा चावल लिया है, एक घंटा पहले भिगो दिया था, बासमती चावल है। अगर आप चाहते हैं सेंधा चावल, अगर आपको पसंद है तो सेंधा चावल जब यूज करें तो आप 3 से 4 घंटा पहले भिगो दें बनाने से पहले। ये है मावा 250 ग्राम, शक्कर 400 ग्राम लिया है, ये इलायची छोटी 7 हमने छिलका उतार के कूट लिया है, देसी घी 1 प्याली छोटी, ये ड्राई फ्रूट्स 10 से 12 काजू, 15 बादाम, ये 2 भागों में हमने कर लिया है बादाम को और काजू को भी 2 भागों में कर लिया है, ये नारियल, पिस्ता, 2 तेज पत्ता, 4 लौंग और ये जर्दा कलर। ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई इसलिए लिया है ताकि आसानी से आपको दिखे। ये पानी भर लिया, इसमें पानी डाल लिया है गैस ऑन करके। अब इसमें हम कलर 1 चमची जर्दे की कलर डाल के बॉयल होने तक ढक्कन लगा के वेट करते हैं। देखिए, ये हमारा पानी बॉयल होने लगा है, ढक्कन निकाल हटा लेते हैं। इसके बाद इसमें हम चावल डाल देते हैं। ये हमने इसमें चावल डाल दिया है, अब इसको बॉयल होंगे, यानी लगभग ये 90% पक जाए और 10% कच्चा रहे, ढक्कन लगाकर बॉयल होने तक का, तैयार होने तक का वेट करते हैं। ये हमारा देखिए चावल तैयार हो गया है, अब इसको हम इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं छन्नी में। देखिए, इसको ऐसे छन्नी लगा के पूरा ड्रेन कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है, गैस ऑन कर लिया है, अब इसमें हम ये घी ऐड करते हैं। ये 2 तेज पत्ते और ये 4 हमने लौंग लिया था वो ऐड करते हैं, फिर ये कुटी हुई इलायची, इसमें हम चावल की लेयर लगाते हैं, गैस कम कर लेते हैं। इसके ऊपर शक्कर डालते हैं ऐसे, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, फिर हम चावल ऐड कर देते हैं। ये शक्कर, अब इसके बाद हम ये मावा जो यानी खोया लिया है उसको हम डाल देते हैं पूरा इसमें। थोड़ा मावा बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। अब ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक इसको शक्कर घुलने तक का वेट करते हैं। ये देखिए, हमारा शक्कर घुल गया है, अब इसको हल्के हाथों से मिलाइएगा, वरना इसमें चावल टूटने का वो रहता है। हल्के हाथों से बस घुमा दीजिए,
देखिए अच्छा खासा मिक्स हो गया है। इसको यूं फिर ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक और वेट करें। आइए हम देखते हैं कि हमारा जर्दा तैयार हुआ है कि नहीं। हमारा जर्दा तैयार है, वही यूं करके हिला देते हैं एक बार। देखिए कितना खिला खिला चावल आया है। अब इसको ठंडा करने करके सर्व करते हैं। ये हमने बाउल में सर्व कर लिया है जर्दा। देखिए हमारा जर्दा तैयार है, कितना प्यारा कलर आया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप घर पे इसे जरूर बनाएं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एक और मजेदार रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।